जय माँ काली। सारा खेल तो नक्षत्रों का है, चाहे आप स्वर्ग से आते हैं कि नरक से आते हैं, चाहे आप स्वर्ग में जाते हैं कि नरक में जाते हैं, ये सब कुछ बताते हैं आपके नक्षत्र। चाहे आप कहीं भी जन्म ले रहे हों, देश में, विदेश में, वन में, रास्ते में या अस्पताल में, जिस जगह भी आप जन्म ले रहे हों, नक्षत्रों से आप प्रभावित होते हैं और नक्षत्रों के हिसाब से आपकी राशियां बनती है। तो जितना प्रभाव नक्षत्रों का आपके व्यक्तित्व पर है, उतना प्रभाव राशियों का नहीं होता है। नक्षत्र क्या है? आपकी आंतरिक व्यवस्था को, आपके आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आपका स्वभाव, आपकी दशा, आपकी दिशा, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ नक्षत्रों से निर्धारित होता है। आपका स्वभाव कैसा होगा? आप क्रूर व्यक्ति होंगे, आप क्रोधी व्यक्ति होंगे, आप दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, या फिर आप साधु होंगे, संत होंगे, एक अच्छे गृहस्थ होंगे, एक अच्छे कार्यकर्ता होंगे। विंडिक्टिव नेचर आपका होगा कि आप दानशीलता आप में होगी, किसी के सहयोगी आप बनेंगे, यह सब कुछ नक्षत्रों से निर्धारित होता है। आप पूर्वजन्म में क्या थे, आप किस लोक से यहाँ पर आए हैं, किस योनि से आपका जन्म हुआ है इस धरा पर, यह सब कुछ नक्षत्र प्रभावित करते हैं। देखिए, ग्रह तो 9 होते हैं लेकिन नक्षत्र 27 होते हैं। हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र, इस हिसाब से जोड़े तो 9 3 27, तो इस तरह से हो जाते हैं। तो आपके कर्म कैसे होंगे ये नक्षत्र निर्धारित करते हैं। आप डॉक्टर बनेंगे कि वकील बनेंगे, आप व्यवसायी बनेंगे कि आप चोर डकैत बन जाएंगे, आप आतंकवादी बन जाएंगे कि आप क्रांतिकारी बन जाएंगे, ये सब कुछ नक्षत्र हैं। वह आपको उसी हिसाब से आप बनते हैं जिस नक्षत्र में आप जन्म लेते हैं। इस जन्म में इस धरती पर आप क्या स्वर्ग सुख भोगेंगे? अगर आप मानते हैं, कुछ लोग जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि स्वर्ग और नरक तो होता ही नहीं है, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। तो इस जीवन में भी जो सुख भोग रहा है वह स्वर्ग में है, जो दुख भोग रहा है वह नरक में है। लेकिन हमारे वेदों ने स्वर्ग और नरक की कल्पना की है, तो हमारे, यह हम नहीं कहते, हमारे ऋषि मुनि जो पराशर मुनि थे, उन्होंने नक्षत्रों की कल्पना की, नक्षत्रों के विषय में बतलाया, और नक्षत्रों के विषय में उन्होंने जो कुछ भी बतलाया वह बिल्कुल सही और सटीक था। ग्रहों को तो आप देखते हैं लेकिन नक्षत्रों को किसने देखा? नक्षत्र दिखाई नहीं पड़ता, नक्षत्र को आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका उतना ही व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है जितना कि सामने से कोई प्रभावित आपको करता है। अब आपका जन्म जिस स्थान पे हुआ है, जिस समय पे हुआ है, उस समय आकाशीय मंडल में जो नक्षत्र थे, इसकी गणना आप देख कर नहीं कर सकते, लेकिन पराशर मुनि के आधार पे आप इसकी गणना करते हैं और बतलाते हैं कि अमुक बालक या बालिका, जातक या जातिका अमुक नक्षत्र में है, और नक्षत्र देख कर ही आप बतला सकते हैं कि वह किस लोक से आया है, नरक लोक से आया है, स्वर्ग लोक से आया है, या प्रेत योनि से आया है, या कहीं आत्मा भटक रही थी वहाँ से अब उसका कुछ पुण्य जब हुआ तब वो जन्म लेकर इस धरा पर आया है। तो जो स्वर्गलोक से आया वह यहाँ भी सुख का भोग करेगा,
लेकिन यहाँ आकर अगर वह किसी से प्रभावित होकर, दूसरे ग्रहों से प्रभावित होकर गलत काम करेगा तो वो फिर से नरक को जाएगा। तो स्वर्ग और नरक की कल्पना गलत नहीं है। अगर आप कहीं देख नहीं पाते हो तो इस धरा पे तो देख सकते हो। कोई बहुत अच्छा करके भी दुखी है, कोई बुरा करके भी सुखी है। आप कहते हो कि हम तो अच्छा काम करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों? तो आप देखो कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो। नक्षत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं व्यक्तित्व को, बल्कि हर एक नक्षत्रों के एक स्वामी होते हैं और वही स्वामी आपके जीवन को और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अश्वनी नक्षत्र में जन्म लिया तो अश्वनी नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं केतु, यानी कि जन्म के समय से ही वह बालक किसी न किसी तरह परेशान रहेगा, कोई न कोई शारीरिक कष्ट रहेगा। जैसे कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति हैं देवगुरु, जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे बहुत सुखी होते हैं, और इसका मतलब कि वह बालक या बालिका स्वर्गलोक से आया है और यहाँ रहकर भी वह सुखों का उपभोग करेगा, और ऐसा बालक जन्म के साथ ही कष्ट में नहीं पड़ता। आप देखते होंगे कुछ बच्चा जन्म लेता है वो इंक्यूबेटर में चला जाएगा, जन्म के साथ जॉन्डिस हो जाता है, जन्म के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में छेद हो जाता है किसी बच्चे का रहता है, तो समझ लीजिए कि वह नक्षत्र उसे बालक को प्रभावित कर रहा है। तो जो बच्चे अश्वनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं उनके माता पिता को चाहिए कि वे जन्म से ही केतु का निवारण करवा लें। मान लीजिए कि आप चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इसके स्वामी होते हैं मंगल, तो ऐसा बालक जन्म लेने वाला बहुत ही मेहनत से सफलता पाया होगा पूर्व जन्म में, और वह किसी अच्छे कर्म के कारण देव योनि में जन्म लिया है और वहाँ से वह जन्म लेगा इस धरा पर और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने वाक चातुर्य से और अपने दिमाग से सफलता प्राप्त करेगा। उसका कर्म प्रधान वाला वह व्यक्ति इस जन्म में होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में भी वह कर्म प्रधान था और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने अपने कर्म को पूरा नहीं किया था, तो इस जन्म में वह चित्रा नक्षत्र में जन्म लेगा और यहाँ आकर वह पहले के कर्मों को पूर्ण करेगा। मान लीजिए कि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपके चंद्र आपके स्वामी हो गए, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक या बालिका सीधा स्वर्गलोक से आया है, उसे इस जीवन में भी कष्ट नहीं होगा। अगर वह कष्ट पा रहा है इस जन्म में तो कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए वह पाया। जब उसके उस बुरे कर्म की जब समाप्ति हो जाएगी तब वह सुख भोगने लगेगा, और जो रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी में जो जन्म लिए हैं वह बालक या बालिका जीवन में सबसे अच्छा कार्य करेंगे। तो इस धरा पर जो भी आते हैं वे नक्षत्रों के प्रभाव से अपना भविष्य और भाग्य निर्धारित करते हैं। जैसे कि पराशर मुनि ने कहा था, स्वर्गस्थानाम यह जीवो लोके धराधाम। उनमें क्या उन्होंने बताया कि इसमें चत्वारी चिन्हानी देहम, इनमें चार लक्षण होते हैं। जो रोहिणी नक्षत्र में या पुनर्वसु जैसे पवित्र नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनमें चार गुण जरूर होते हैं। वे समाज में आदरणीय होते हैं, वे दानशील होते हैं, वे धनवान होते हैं, समाज में नाम और सम्मान होता है, दान और पुण्य करते हैं, ऐसे धर्मात्मा होते हैं। तो अगर ऐसा इस जन्म में करते हैं तो पुनः वह स्वर्ग को जाएंगे
और अंत में मोक्ष को ही प्राप्त करेंगे। तो नक्षत्र बिल्कुल को गौण मत मानिए, राशि से और ग्रहों से अधिक प्रभाव डालते हैं नक्षत्र। अगर आपको और भी नक्षत्रों के विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि किस नक्षत्र के विषय में मैं बतलाऊं कि आप कहाँ से आए हो और जाने वाले कहाँ हो, यह मैं बतलाऊंगी। और आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि दूसरे भी इसे जान सकें। जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद।